अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है स्वीट डिश। तो स्वीट डिश में जो मैं आज बनाने जा रही हूँ वो है कुल्फ़ा। तो कुल्फ़ा बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। फुल क्रीम मिल्क होता है गाय का दूध। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, नो इश्यू। दो ब्रेड के पीसेस ले लिए, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 50 ग्राम मैंने मक्खन बटर ले लिया है, 50 ग्राम है ये। बादाम मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, 4-5 बादाम आप ले लें। इसके अलावा ये एज अ फ्लेवर के तौर पे मैं कंडेंस्ड मिल्क की 2 चमचे मैंने ली हैं, 2 टेबल स्पून ले लें, आपकी मर्जी। आप डालना चाहें तो ऐप आपकी मर्जी है। उसके अलावा ये एक लजीजा का कुल्फा मैंने लिया है पैकेट, ये बाजार से मिल जाएगा आपको, किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये देखें, जब मैंने इसको ओपन किया था तो इसमें 2 अमेजे पड़े हुए थे। ये 2 अमेजे इन्होंने बिल्कुल फ्री दिए हैं हमें। और इसके अलावा ये पैकेट पड़ा हुआ है कुल्फे का, बना हुआ कुल्फा। तो अब चलें बनाते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। चलें, लेकिन रेसिपी देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने एक पतीले में दूध डाल के अब मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैं साथ ही इसमें बटर डालने लगी हूँ, ये 50 ग्राम बटर है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मैं अब थोड़ी सी देर पक का कुल्फा डालने लगी हूँ, इस तरह से डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, आराम आराम से इसको इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको आराम आराम से 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। इसमें बाल आ गया। मैं इसमें ये कंडेंस्ड मिल्क की 2 चमचे फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें बादाम ऐड करने जा रही हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको वक्फे वक्फे से इस तरह से हिलाते रहना है चमचे को, ताकि ये साथ चिपके ना, और इसको साथ साथ पकाते भी रहना है। थोड़ा सा और पकाते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। मेरा ये कुल्फा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ब्रेड के पीसेस ऐड करने जा रही हूँ और इसको इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इस तरह थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ। मेरा मेज़ा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालने लगी हूँ और ब्लेंड करने लगी हूँ। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस तरह ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करें। चलिए मैं ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अमेज़े को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है इस तरह से जूसर मशीन में। तो मेरे पास ये अमेज़े पड़े हुए थे, मैं अब इनमें इसको फिल कर देती हूँ। इसमें इस तरह से ओपन कर लेते हैं और ये फिर सारा मेज़ा इसमें ऐड कर देते हैं इन अमेज़ों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने ये सारा इसमें फिल कर लिया इन अमेज़ों में, सारा पेस्ट जितना भी था। अब मैं इनको क्लोज कर देती हूँ इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बंद कर दिया और ये 2 जो निकले थे उससे कुल्फे के डब्बे से उनको भी मैंने इस तरह से फिल कर लिया है, ये इस तरह से। इसको भी बंद कर लेते हैं।
अब हम इनको फ्रीज कर लेंगे 5 से 6 घंटों के लिए। तो इनको फ्रीज करके मैं इसको सर्व करके आप